यूके ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲੱਸ 2 ਚ 56% ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਕਾਮ ਚ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 58% ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਆਇਆ 5 ਸਕੋਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ बिल्कुल बच्चा उहदे विच एलिजिबल है अगर असी बच्चा डबल मास्टर करने लई जा रहे हैं तो उहदी इंटरव्यू क्रिएट करदी है अंबैसी नहीं बल्कि यूनीवर्सिटी इंटरव्यू क्रिएट करेगी अगर वह यूनीवर्सिटी की इंटरव्यू दे विच सक्सैस हो जाता है तो उहदा 100% बच्चे का कैसलेटर आएगा और 100% बच्चा एलिजिबल है अगर तुसीं गल कर रहे हो 58% या 56% मार्क्स ने तो बच्चा 50% तो बाद 100% बच्चा यूके दे विच एलिजिबल है ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਲੀ ਅਗਰ 48 ਜਾਂ 45 ਜਾਂ 40% ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਵਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 100% ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ बट साढ़े को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेज़ ने जिदे विच असी बच्चे नू विदाउट इंटरव्यू 100% बच्चे का कैसलेटर प्रोवाइड करवाने अच्छा मतलब विदाउट इंटरव्यू बिल्कुल 100% बच्चे दे अगर 40% मार्क्स भी ने और बच्चा इंटरव्यू भी नहीं देना चाह रहा बच्चे की आइल्स भी नहीं है तो असी उस बच्चों का मोस्ट वेलकम है साढ़े ऑफिस दे विच जो मर्जी बच्चा विजिट करे असी उन्हों का 100% ऑफर लैटर 72 आवर्स दे विच प्रोवाइड करवावांगे और कैसलेटर 100% बच्चे का आएगा एक होर चीज़ रहती है स्पाउस नूं लेके बहुत वड्डा सवाल है अक्सर लोग ताई बाहर जाते हैं कि साडा स्पाउस नाल चल जाए तो स्पाउस नूं लेके कुछ कहिंदे कि नहीं हो सकता पॉसिबल ही है नहीं कि बहुत सारी चीज़ें होंगे कि लगता ही नहीं वीज़ा ही नहीं आता अपना जिदा कुड़ी बाहर चल जाती मुंडे का बहुत टाइम लग जाता 1-1.5 साल भी निकल जाता यूके के स्पाउस नूं लेके तुसीं की कहना यूके दे विच स्पाउस 100% बच्चा नाल ही दोनों हसबैंड वाइफ दोनों ही ट्रैवल करते हैं मेन मार्केट दे विच जो यूके नूं लैके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बच्चा एग्जाम्पल स्टूडेंट प्लस टू पास है स्पाउस प्लस टू पास है मार्केट दे विच 90% ट्रेंड की चल रहा है तुसीं ग्रैजुएट नहीं हो स्पाउस तुहाडा ग्रैजुएट नहीं है उस नाम ते बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है यूके दे विच इदां दा कुछ नहीं है यूके दोनों बच्चे अगर प्लस टू पास है तो दोनों स्पाउस वीज़ा दे विच एलिजिबल है ऑस्ट्रेलिया दे विच ये ट्रेंड है अगर बच्चा ग्रैजुएट नहीं है तो बच्चा ट्रैवल नहीं कर सकते स्पाउस नाल ही जा सकता बट यूके दे विच इदां दा कुछ नहीं है यूके 100% बच्चे अगर दोनों प्लस टू पास है तो दोनों ट्रैवल कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वीज़ा पर ही जाएगा उहदा स्पाउस इकट्ठे ट्रैवल बिल्कुल 100% इकट्ठे ही ट्रैवल करेंगे अच्छा इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं